है, सीधा कंगन घाट से उतरिएगा, तो कंगन घाट से उतरने के बाद सीधा आपको गुरुद्वारा चौक पटना सिटी ले जाएगा। पानी दोस्तों इतना लेवल तक बढ़ जाता है कि काफी ये रोड पर भी चला जाता है। ये देखिए सामने बीच में आप लोगों का एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर फोटो वोटो शूट की कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। तो चलिए रील्स बनाते हैं, शूट करते हैं, तो यहाँ बहुत ही सुंदर व्यू मिलने वाला है। जो है काफी देखिए गंदा है, लेकिन देखिए कि अभी लेवल कितना सुंदर सा आपको नजारा मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोहित ब्लॉग में एक बार फिर से। दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, पटना का मरीन ड्राइव फेज 3 अब हो गया है पूरी तरह से चालू। तो आज हम आप लोगों को इस पटना का मरीन ड्राइव जो कंगन घाट से लेकर गाय घाट के बीच में जो चालू हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ी जो है आना जाना स्टार्ट हो चुका है, और इसी चीज़ का हम आप लोगों को इस में वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यही है पटना मरीन ड्राइव का कंगन घाट से जो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ से तो चढ़ने का स्लोप बना हुआ है, और इधर देख सकते हैं ये साइड जो है दोस्तों ये गुरुद्वारा चला जाता है जो आपको लेकर चलेगा। लेकिन ये साइड का जो रोड है यहाँ पर तो ढल कर बन चुका है, और इधर जो देखिएगा तो इधर जो है अभी काम जो है हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो काम इधर रोड बनने का हो रहा है, और वहाँ देखिए कि पानी उनी रहा है। तो इस तरह का काम जो है यहाँ पर ये ढलने वाला काम जो है दोस्तों वे चल रहा है। तो ये जो काम ये रोड जो है सीधा कंगन घाट से उतरिएगा, तो कंगन घाट से उतरने के बाद सीधा आपको गुरुद्वारा चौक पटना सिटी ले जाएगा। लेकिन हम आज आप लोगों को लेकर चलेंगे कंगन घाट का गाय घाट तक सफ़र करवाएंगे कि कितना जो रोड जो है पूरी तरह से कम्प्लीट फाइनली चालू हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से हम अभी कंगन घाट से तो चढ़ गए हैं, और चढ़ने के बाद इधर देखिए कि ये जो है गंगा किनारे पानी का थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, और पानी जो है यहाँ पर आ गया है। तो आज हम इस पर तो पटना मरीन ड्राइव का वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं दोस्तों, लेकिन उस समय चालू नहीं हुआ था। लेकिन दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी आकर यहाँ इस पुल का उद्घाटन किए हैं, और ये फाइनली जो है दोस्तों ये अब चालू हो गया है। तो अब आज आप लोगों को पूरी तरह से हम गाय घाट तक का सफ़र करवाएंगे, और इसी रास्ते से आप दीघा भी पटना मरीन ड्राइव जा सकते हैं। इधर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है वो दीदारगंज तक फोर्थ फेज का काम करेगा, और एक स्लोप जो है पटना घाट जो उतरने वाला बनेगा। लेकिन अभी पटना घाट उतरना नहीं हुआ है स्टार्ट, और इधर चलिएगा तो इधर आपको सीधे गाय घाट, जो गाय घाट यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के दूरी पर है। तो चलिए आज हम गाय घाट पहुँचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आगे पहुँच देखिएगा तो ये है सोलर पैनल, जो आपको ये जितने सारे यहाँ पटना मरीन ड्राइव पर लाइट जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा लाइट जो है यही सोलर पैनल के द्वारा मतलब कि जलाया जाएगा। यहाँ पर ये सुविधा भी बना दिया गया है, और इसके आगे जैसे चलिएगा तो देख सकते हैं कि अभी जो रोड है पूरी तरह से चालू हो चुका है, और लोगों का आना जाना जो है पूरी कम्प्लीट हो गया है। पटना का मरीन ड्राइव जो दोस्तों दीघा से लेकर जो अब कंगन घाट तक पूरी तरह से आप 15 से 20 मिनट में सफ़र कर सकते हैं, और बहुत ही इजी हो गया है। और बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ये कंगन घाट से गाय घाट का जो दूरी है लगभग 4 किलोमीटर के आसपास में है, और फोर्थ फेज जो है वो कंगन घाट से लेकर दीदारगंज तक चालू होने वाला है। लेकिन उसमें अभी समय है, 5 महीना 6 महीना का समय लगेगा तब वो बनकर कम्प्लीट होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि गाय घाट से लेकर कंगन घाट के बीच का जो सकते हैं तेजी फराते में गाड़ी जो है चला सकते हैं, और उधर जो देख सकते हैं दोस्तों कि गंगा जी का पानी का लेवल भी अभी काफ़ी बरसात का मौसम आ गया है, और जिसके कारण देख सकते हैं कि लेवल जो है गंगा जी का पानी का पूरी तरह से बढ़ गया है।
लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस कंगन घाट से लेकर गाय घाट के बीच में जो पटना मरीन ड्राइव का फेज 3 जो स्टार्ट हुआ है, इस पर आप सेल्फी पॉइंट भी एक जगह बना हुआ है, जो आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो सेल्फी अगर लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एक पॉइंट है, एक लेन है जो अलग है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो लाइन है पटना का मरीन ड्राइव के लाइन वे में थोड़ा साइड कर एक यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है बना दिया गया है। यहाँ पर खड़ा होकर सेल्फी भी ले सकते हैं, व्यू भी ले सकते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए कि इधर जो है गंगा का पानी काफ़ी लेवल पे बढ़ चुका है और यहाँ पर जो घाट है दोस्तों, ये खचकला घाट है, खचकला घाट के पास आता है। और इधर देखिए कि खचकला घाट के पास जितना सीढ़ी है, सीढ़ी के पास तक पानी आ गया है और पिलर जो है नीचे चारों तरफ वो भी डूब चुका है पूरी तरह से। और देखिए गंगा का पानी, गंगा का पानी दोस्तों इतना लेवल तक बढ़ जाता है कि काफ़ी ये रोड पर भी चला जाता है। ये देखिए सामने जो रोड देख रहे हैं, नीचे वाले रोड पर भी पानी चढ़ जाता है, उसके बाद उस तरफ भी खेत में चला जाता है। तो ये आपको एक पटना के मरीन ड्राइव यानी कंगन घाट से लेकर गाय घाट के बीच में आप लोगों का एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर फोटो वोटो शूट की कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। तो चलिए तो हम आप लोगों को वो साइड भी लेकर चलते हैं। तो वो साइड भी देखिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि वो साइड भी आपको सेल्फी पॉइंट था, सेल्फी ले सकते हैं, रील्स वगैरह बना सकते हैं। और इधर से भी आ रहे हैं तो ये साइड भी आपको मिलेगा। देखिए वहाँ पर कार पर भी रोककर लोग सेल्फी बना रहे हैं। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है दोस्तों। अगर यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में या आप इवनिंग टाइम में आते हैं, यहाँ पर अगर रील्स बनाते हैं, शूट करते हैं, तो यहाँ बहुत ही सुंदर व्यू मिलने वाला है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। क्योंकि देख सकते हैं कि गंगा का पानी काफ़ी आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा। यहाँ देखिए कितना सारा पानी है और पानी का लेवल जो है वो ऊपर है, लेकिन बल कितना सुंदर सा आपको नज़ारा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपको गाय घाट तक का सफर करवाते हैं। तो वहां पर देख सकते हैं कि ये गाय घाट महात्मा गांधी सेतु पुल है। पटना सिटी के लोगों के लिए बहुत ही सौगात की बात है, बहुत ही, कि अब जाम से छुटकारा पाकर सीधा अगर दीघा, दानापुर, गोलघर, पटना कहीं भी जाना हो तो इस कंगन घाट से चढ़कर सीधा वो दीघा के लिए, गोलघर के लिए, किसी भी पटना की जगह के लिए, प्लेस के लिए वो सराम 10 से 15 मिनट में वो जा सकते हैं दोस्तों। तो ये है पटना का मरीन ड्राइव। तो दोस्तों एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये पटना का मरीन ड्राइव जो दीघा से लेकर दीदारगंज तक बनने वाला है, तो आने वाले समय में यही मरीन ड्राइव दोस्तों सीधा मोकामा तक जुड़ने वाला है और एक और इधर बक्सर के 4 लाइन और उधर शेरपुर दिगवारा तक यही मरीन ड्राइव आपको जुड़ने वाला है। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। ये दोस्तों ये बोर्ड भी लिखा हुआ है, यहाँ से गायघाट जो है 0.5 किलोमीटर, PMCH 7 किलोमीटर और गांधी मैदान 8.5 किलोमीटर है। ये बोर्ड भी यहाँ पर लग चुका है और बहुत ही बीच बीच में, मतलब बोर्ड लगने से लोगों का राहत भी मिलेगा। और पूरी तरह से ये देख सकते हैं दोस्तों कि लाइट का भी व्यवस्था कंप्लीट है। तो चलिए अब हम पहुँचते हैं गायघाट। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ही, मतलब कि अगर आप पटना के तरफ से आते हैं तो यहाँ पर ही आपको मूव करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा अगर गायघाट उतरना है तो। और सीधे अगर कंगन घाट जाना है तो आप जा सकते हैं कंगन घाट सामने की ओर, और यहाँ से सीधे आप उतर कर सीधा गाय घाट मतलब चले जाएगा। और आने के बाद ये आपको सीधा रोड जो दोस्तों आपको गाय घाट उतर जाइएगा। अगर आपको पटना जाना है तो सामने वाले रोड पकड़ सकते हैं, और अगर गाय घाट नीचे उतरना है तो यहाँ से उतर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।